रामचंद्र चंद्रवंशी जी सदन के वरिष्ठ नेताओं में से हैं, मंत्री भी रहे हैं और नवी अनुसूची में विधेयक को भेजना क्यों जरूरी है ये भी जानते हैं। अगर ये नहीं जानते हो तो मैं इनको थोड़ा एक ये भेज देना चाहता हूं कि इन्हीं की सरकार है कर्नाटक में, जहां पर रिजर्वेशन को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भेज दिया गया है। क्यों? आप ही की सरकार है, हमारी सरकार नहीं है। और आप लोगों ने 85 करके कितने बहाली की है ये भी बता दीजिए। ये देखिए और तो और अध्यक्ष महोदय ये 2000 में बिल लाए थे अध्यक्ष महोदय, 2002 में अध्यक्ष महोदय, और कोर्ट ने एक सिरे से इनके बिल को खारिज कर दिया था। हम ऐसा नहीं करना चाहते अध्यक्ष महोदय, ना हम लोग इस सरकार का ना बिल खारिज होगा ना यहाँ पर हमारे नौजवानों का अधिकार छीना जाएगा अध्यक्ष महोदय। अब ये दुकान बंद हो जाएगा अध्यक्ष महोदय, इसलिए इसको हम लोग एक सुरक्षा कवच पहनाने जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जो ऐसे षड्यंत्रकारी लोग दोबारा इसको भेज ना सके। अध्यक्ष महोदय, इसलिए अध्यक्ष महोदय इसमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 01(3) और इसको लेकर फिर ये उसी बात को कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, पहले भी मैंने कहा। और अच्छा, ये मैं हम अगर गलत कर रहे हैं तो इन्हीं के सरकार के लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, नवी अनुसूची में भेजने के लिए क्यों वो विधेयक बना रहे हैं, क्यों विधेयक पारित करके भेजते हैं? और अध्यक्ष महोदय और पिछला आपने देखा है अध्यक्ष महोदय, 2001 की बात है, मंत्रिमंडल की उप समिति का गठन किया इन लोगों ने अध्यक्ष महोदय, और 16 जून को कैबिनेट में उसके मोहर भी लगा दी अध्यक्ष महोदय, जहां एससी को 32% इन लोगों ने किया था, एससी को 14% और पिछड़ों को 27% अध्यक्ष महोदय इन लोगों ने किया था अध्यक्ष महोदय, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक सिरे से हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया अध्यक्ष महोदय। अब ये भी वही चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, फिर हम उलझ जाए, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ले अध्यक्ष महोदय, लेकिन आप तो चिंता मत कीजिए, आप लोग जैसा हम लोग बेवकूफ नहीं है, आप लोग जो आदिवासी को बोका बोलते हैं अब वो बोका नहीं रहा, यही बोका आप लोग को धो पोत करके बाहर कर देगा, चिंता मत कीजिए, हम लोग अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि आप लोगों का पैर काटने का काम करेंगे अध्यक्ष महोदय, इसलिए कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं। अध्यक्ष महोदय, मान्य विधायक अमित यादव जी, मान्य विधायक विनोद सिंह जी और चंद्रवंशी जी वरिष्ठ विधायक विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की बात कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये विधायक का अध्यक्ष महोदय जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य बहुत विस्तृत रूप से हम लोगों ने इसका रखा है अध्यक्ष महोदय, और सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं बल्कि अन्य सभी रोजगार से भी हम लोग इसको जोड़ेंगे अध्यक्ष महोदय। हम लोग सीमित दायरा हम लोगों ने नहीं बनाया थे बल्कि अध्यक्ष महोदय इसका दायरा बहुत बड़ा रखा है। अध्यक्ष महोदय, और माननीय विनोद सिंह जी
और माननीय अमित मंडल जी, चंद्रोसे जी, अमित यादव जी माफ कीजिएगा, जो इनकी शंका है, आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहें, ये सरकार बिल्कुल शीशे की तरह साफ ट्रांसपेरेंट काम करती है। आप लोगों की तरह लोगों को ठगने छलने का काम हम लोग नहीं करते। आप तो उदाहरण देख रहे हैं, इतने नियुक्तियां निकल रही है, कोई विवाद हुआ आपके तो सारे सीबीआई कोर्ट उठ में जाके लटक जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, और तो और ये लोग ऐसे षड्यंत्र करते हैं, अध्यक्ष महोदय अभी देखिए 10वीं 12वीं का भी लोगों ने जाके कोर्ट में जाके खड़ा कर दिया। ये लोग ये गिरोह है अध्यक्ष महोदय, ये राज को बर्बाद करने का एक गिरोह के रूप में। अध्यक्ष महोदय, इसमें पर अध्यक्ष महोदय, माननीय लंबोदर जी, नवी अनुसूची का भी विरोध नहीं करते और चीजों को उलझाने का भी पूरा जोर ताकत लगा रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, जबकि अध्यक्ष महोदय, इन्हें की सहयोगी सरकार नियमानुकूल काम कर रही है, जो कल किसी भी तरीके के कानूनी उलझन में चीजें ना फंसे, ये अध्यक्ष महोदय ये तो बहुत बड़ी चीज है। और इस पर तो अध्यक्ष महोदय, हम लोगों का प्रयास है कि किसी भी तरीके का कहीं ये अड़चन ना बने, कानूनी पेचीदगी में ना फंसे। अभी अध्यक्ष महोदय, छोटा सा तो हम लोगों ने यहाँ पर रिक्तियों में 10वीं और 12वीं को इंट्रोड्यूस किया है अध्यक्ष महोदय, उसको तो लेकर के ये कोर्ट चले गए हैं अध्यक्ष महोदय, और उसको भी उलझाने का ये में लगे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे पता है कि 20 वर्षों में इन लोगों ने जो इस राज्य की स्थिति की है और यहाँ के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है अध्यक्ष महोदय, ये किसी से छुपा नहीं है। इसलिए अधिक महोदय, इसमें हमने इसको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम लोगों ने अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।